हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फ्लावर वॉश यानी फ्लावर पॉट बनाना सिखाऊंगी। आज मैं एकदम एंटिक ड्राइंग लेके आई हूँ। उल्टे ट्रायंगल, सर्कल, स्लिपिंग लाइन के माध्यम से हम डिफरेंट डिफरेंट दो तरीके के पॉट बनाना सीखेंगे। पहले पॉट में सर्कल, सेकेंड पॉट में मैं 3 ओवल का इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए गाइस, हर बार की तरह ईजी स्टेप से मैं डिफ़िकल्ट ड्राॅइंग को ईजी मेथड के साथ लाती हूँ। तो चलिए एक सर्कल बना लेते हैं। नए पेज पे लाइट कलर से आप सर्कल बनाइए, यानी पेंसिल एकदम लाइट करके कीजिए, क्योंकि सर्कल बनाते हुए कुछ गलतियाँ होती हैं। सर्कल जब हमारा कंप्लीट हो जाए तो हम ट्रायंगल को ड्रॉ करेंगे जो सर्कल को क्रॉस करेगा। बाद में आप इसको आउटलाइन से डार्क कर सकते हैं, जो मैं करके दिखाऊँगी। और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं दोनों पॉटों को कलर और पेंसिल शेड करके बताऊंगी। कि देखिए, अब मैं डार्क कर रही हूँ, नीचे आप बेस बना लीजिए। उसके बाद आउटलाइन कर लीजिए मार्कर पेन से या स्केच पेन से। ऊपर उल्टा सी को ड्रॉ कर दीजिए, जो पॉट का एकदम परफेक्ट लुक देगी। बीच में आप कोई भी डिजाइन दे सकते हैं। इस पॉट को मैं पेंसिल शेड करूंगी, सेकंड नंबर वाले पॉट को मैं कलर करके बताऊंगी। देखिए, अब मैं ब्लैक कलर का पेंसिल शेड करना शुरू कर रही हूँ। नीचे का बेस परफेक्ट बना दीजिए, ताकि पॉट काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा। देखिए, अब मैंने पेंसिल शेड करना शुरू कर दिया है। गाइस, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हार्ड ड्राइंग ईजी मेथड से कैसा लग रहा है। इसे छोटे बच्चे से बड़े बच्चे तक बना सकते हैं। अब मैं सेकेंड नंबर के ड्रॉ को करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने 3 ओवल का शेप बनाऊंगी। पहला ओवल, इसके बाद इससे छोटा वाला साइज का, आप चाहो तो सर्कल भी बना सकते हो। अब मैं एकदम स्टैंडिंग लाइन खींचूंगी, जो तीनों को क्रॉस करते हुए थर्ड नंबर का ओवल बनाऊंगी। फर्स्ट वाले ओवल को हम डॉट से सेकेंड वाले ओवल तक टच करेंगे। ये देखिए, इस तरह सेकंड वाले से हम थर्ड वाले तक टच करेंगे, ज्वाइंट करेंगे इस तरह। इसके बाद बीच के लाइन को आप रफ कर सकते हैं। ये देखिए, हमारा फ्लावर पॉट का सेकंड वाली ड्राइंग का बेस रेडी हो गया है। रफ कर दीजिए, डार्क कर लीजिए आउटलाइन। गाइस, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए आई हो मेरे चैनल पे, और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंच सके। इस तरह आप दो लाइन खींच सकते हैं बीच में। पेंसिल शेड चाहो तो आप पेंसिल शेड कर सकते हो, नहीं तो आप कलर भी कर सकते हो। अब मैं इसके बाद कलर करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए, नीचे का बेस आप रेडी कर लीजिए। ब्राउन कलर कर रही हूँ, जो स्पॉट को बहुत ही ब्यूटीफुल दे रहा है। तो गाइस, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, टेक केयर। होप सो आपको ये दोनों पॉट काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाय बाय।